स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबर में। दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक मीटिंग रखी गई हमारी प्रभावती बहन के द्वारा। उन्होंने हमें सारे मैसेज भेजे हैं, आप लोगों से कहना चाहूंगा वीडियो को अच्छे से देखना। यहाँ पे जो भी खबरें हैं बहुत ही बढ़िया निकल के आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कल मीटिंग हुई है, उसके बारे में बताऊंगा क्या सब कुछ हुआ। इससे पहले बहन ने जो एक अच्छा काम किया था कि जो भी बहन शिकायत करना अगर चाहे, जो स्मार्टफोन में जो पैसे डलवा रही है सरकार जबरदस्ती हम बहनों से 200 रुपए के रिचार्ज को लेकर के, तो ऐसे में आप लोग अगर उसका विरोध करना चाहें तो एक लेटर लिख के बहन को भेज सकती हैं। वो सभी लेटर एकत्र करके बहन हमारी सीधे मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगी। तो ये तो एक खबर आप लोगों को कल दे दी गई थी, लेकिन आज इस वीडियो में जो मिलने वाला है वो बहुत ही खास है। लेकिन उससे पहले बता दूं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, साथ ही साथ यहीं से वीडियो नीचे शेयर लिखा होता है शेयर कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना दूसरा चैनल है जो मेरा पर्सनल चैनल है सुधांशु पटेल के नाम से, उस पर जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि उस पर अब कुछ भी काम नहीं होगा, उस पर सिर्फ आपकी ही खबरें आने वाली हैं। तो उस चैनल पर भी आपको जुड़ना बहुत ही जरूरी है। यहां पे कहना चाहूंगा, ये देख लीजिए बहने हैं, कल मीटिंग की गई और मीटिंग बहुत जरूरी थी। आइए उस मीटिंग के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं हमारी सभी बहनें वहां पर यूनियन की मौजूद रही और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों के आगे हित को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं बहन के द्वारा और आगे बढ़ने के प्रयास हो रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगा, आगे बहुत ही जल्द आपको कुछ देखने को भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जितनी भी ये तस्वीरें हैं और जो भी जानकारी होती है हमारी बहन हमें जरूर भेज देती है, क्योंकि ऑल इंडिया एक ऐसा चैनल है जहां पर हमेशा सच्चाई दिखाई जाती है, वो भी बिना डरे, बिना किसी के जो भेदभाव के, कि ऐसा नहीं हो कि एक की बड़ाई दिखाई जाए एक की नहीं। जो भी बहन भेजेगी, जो भी बहन आगे प्रयास करेगी आंगनबाड़ी के हित में, उसकी यहाँ पे चर्चाएं जरूर होंगी। गाजीपुर में चुनाव हुआ है जिसमें वंदना पटेल जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसी के संबंध में हमारे पास ये जानकारी भेजी गई थी। और इस जानकारी को जो लोग देखना चाहते हो तो न्यूज़पेपर में भी आप लोगों के वहाँ निकली होंगी, उत्तर प्रदेश के जैसे गाजीपुर से जागरण वालों की पोस्ट है, जो मोबाइल वगैरह आप चलते हैं उनके उस पर, और ये रहा आपका न्यूज़पेपर जो जागरण वाला आता है उसमें जाकर के आप देख लीजिए, वहाँ पर बहन हमारी दिखेंगी आपको, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ करें मुखर, ये सभी चीज़ें वहाँ पर हैं, आप चाहें तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन वही चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर पर बहुत से लोग भरोसा करते हैं आज के टाइम पर, लेकिन ऑल इंडिया पर उनको इतनी समझ नहीं होती, वो सोचते हैं हर एक यूट्यूबर की तरह मैं भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर गीता सिंह बनी है कासिमाबाद अध्यक्ष। गाजीपुर से खबर है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की तहसील स्तर की बैठक अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद जो आपका है, तो वहां पे आयोजित की गई थी। बैठक में जनपद से जो स्तर के पदाधिकारी हैं उनका मनोयन प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे जी थी, आपकी अभी आपको तस्वीरों में दिखाया था, साथ में प्रदेश महामंत्री जो प्रभावती बहन थी, और वंदना सिंह जी को जो जिला अध्यक्ष, बबीता राय जी जो है महामंत्री, गुड़िया सिंह जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और नासरीन व अशोक राय जो जिला संरक्षक बनाए गए हैं, व उपाध्यक्ष गीता देवी, जिला संगठन मंत्री सरोज श्रीवास्तव जो है, ये सभी चीज़ें हुई हैं, सभी बहनें वहाँ पे उपस्थित रही हैं। और ये खासकर जो मीटिंग की गई है आगे यूनियन को विस्तार के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, ताकि बहनों की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चाएं भी हो सके। बहनों एवं भाइयों नमस्कार, आज दिनांक 25/8/2019 को जनपद गाजीपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती गीता पांडे एवं प्रदेश महामंत्री, ये सभी चीजें अभी आपको हमने पढ़ के सुना दी, और बैठक में ये सभी बहनें उपस्थित रही हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बहनें हैं और ये कम से कम 13 नाम से ज्यादा यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो इसके साथ ही जय आंगनबाड़ी और आपकी आसमीन खातून प्रदेश प्रवक्ता हैं। बाकी जो सोशल मीडिया है, जैसे आप लोग YouTube पर हमारे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को चाहिए हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये आवाज़ जितनी जो है तेजी के साथ में मैं लगाता हूँ, यहाँ पे सच्चाई बिना डरे हुए दिखाता हूँ, चाहे कोई भी आपके DPO हो चाहे CDPO हो, अगर उनकी शिकायत आती है तो मैं जरूर दिखाता हूँ। अभी आप लोगों को एक और हमारे पास वीडियो लगा हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसमें हम वो हमारा दूसरा चैनल आने वाला है, उस पर वो आएगी कि इसमें जो बैग वगैरह आंगनबाड़ी को सौंपे गए हैं उस बैग में कितना सामान दिया गया है। और ये अभी 14 तारीख को बैग दिए गए हैं जिसमें एक दो रजिस्टर हैं, मुश्किल से किसी में ज़्यादा निकले किसी में कम, कुछ सामान भी नहीं है, और बड़ा सा बैग देकर के आंगनबाड़ी बहनों को और इसमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें अधिकारी लोग बहुत ज़्यादा जो घपला किए हुए हैं, लूट के रखे हुए हैं, क्योंकि बजट के रूप में उस चीज़ के लिए पैसा ज़्यादा आता है। तो इन सब चीज़ों की सच्चाई और खुलासे आपको मेरे दोनों चैनल पर मिलते रहेंगे, इस वजह से कहना चाहूँगा हमारे दोनों चैनल पर आप जुड़ जाएँ, क्योंकि एक चैनल पर 4 वीडियो नहीं आ सकते,
सुबह शाम एक चैनल पर एक वीडियो, दूसरे चैनल पर भी एक दो वीडियो आते रहेंगे, तो दोनों चैनल पर आप वीडियो देखते रहें और दोनों चैनल पर सच्चाई से लेकर के आवाज़ लगाई जाएगी। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा आप लोग, और हमारे उसी चैनल पर एक और लेटर आएगा नियमावली को लेकर के, आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारी आंगनबाड़ी बहनें पूछती हैं हम किस अंतर्गत आते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये 23/2/2004 में जिसकी नियुक्ति हुई थी वो भी लेटर हैं, 2000 में जो नियुक्ति हुई थी हमारे ग्रुपों में हमारे भाई लोगों के जरिए हम तक ये जो है कीमती खबर निकल के आई, ताकि आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि हम तो बताते हैं आपको सच्चाई कि आप सिर्फ समाज सेवी के रूप में कार्य कर रही हैं, ना कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का आपको दर्जा है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ समाज सेवी के रूप में कार्य पर लगाए गए थे, ये मुझे जानकारी थी, मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन बहुत से लोग सबूत मांगा करते हैं, तो उसके लिए ये आप देख लीजिए यहां पर ये सब लेटर हैं हमारे पास, इस लेटर को लेकर के अगला वीडियो हमारे आने वाला है, उसको जाकर के जरूर देखना। और दोस्तों अपने नए चैनल से जुड़ना तो बिल्कुल मत भूलिए, आप चाहें तो कमेंट में हमसे लिंक मांग सकते हैं, या अपना खुद ही सुधांशु पटेल सर्च कर लीजिए और वहां पर जाकर के जुड़ जाइए। और अब हम आपको एक दिखाते हैं एक आदेश जो आपका जनपद कासगंज से निकल के आता है, वहां पे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी की नियमित जो आपका पदस्थापना ना होने के कारण जिला कार्यक्रम अधिकारी का कार्य वैकल्पिक व्यवस्था में श्री संजीव कुमार जी हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जनपद में बाल विकास कार्यों की विभिन्न स्तर की समीक्षाओं में पाया गया है कि जो जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में श्री संजीव कुमार द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिससे बाल विकास एवं पुष्टाहार की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है तथा प्रगति बाधित है। अतः बाल विकास एवं पुष्टाहार से संबंधित योजनाएं एवं जो कार्यक्रम है उनके त्वरित एवं प्रभावी संचालन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS जनपद कासगंज के पद का प्रभार वैकल्पिक एवं अस्थायी व्यवस्था में श्री जो अजय सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी सोरो को प्रदत्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS जो जनपद कासगंज के पद पर जो प्रभार प्राप्त कर उसके पदीय दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करें, इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा। तो ये चीजें हैं आप देख रहे चंद्र प्रकाश सिंह जी जिलाधिकारी कासगंज की तरफ से, तो उन्होंने ये लेटर अपना डाला है। तो कहना चाहूँगा ये हमारी जो बैठक हुई थी उसके बारे में भी चर्चाएं मैंने की है, लेकिन बहुत से लोग आज के टाइम पर ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ जो है प्रभावती बहन की जो है खबरें दिखाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। समझने वाली ये बातें हैं कि इस टाइम पर कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश में यूनियन है जो आगे आगे मीटिंग कर रहा हो, ऐसे ऐसे काम कर रहा हो, लेटर लिख रहा हो, या कह रहा हो कि हम आपकी समस्या का अगर कोई बहन लेटर लिखती है तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास ले जाना चाहूँगा। इन सब बातों को दूर रख के लोग आपस की जो जलन है यूनियनों में उसके साथ में वो हमें दोष देते हैं, लेकिन वो उनकी गलतियां हैं। फिर कहते हैं कि एकता नहीं दिखाई देती, हम जब धरने करते तो साथ में कोई नहीं आता। जब आपके अंदर अभी यही भावनाएं हैं, आप अगर हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप जो है एक संगठन की बातें दिखा रहे हैं, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो आपकी सोच सही है, क्योंकि आपके अंदर अभी संगठन को लेकर के जलन भरी हुई है। पहले इसको मिटाइए, उसके बाद में ही एकता बन सकती है। तो कहना यही चाहूंगा, क्योंकि ये समस्याएं अगर मैं इन बहन की दशा को दिखा रहा हूं, वो प्रयास कर रही है, तब उनकी नजरों में मैं बुरा हूं। अभी मैं उनकी समस्या को दिखाऊंगा तो कोई दूसरी बहन कहेगी जो उनसे जलेगी कि ये उनकी बड़ाई दिखा रहे हैं। तो खुद सोचिए, जब मैं आपकी तरफ रहता हूं तो दूसरे लोग हम पर तब भी कीचड़ उछालते हैं, और जब मैं दूसरी तरफ रहता हूं तब आप जैसे लोग भी कीचड़ अगर उछालेंगे तो ये गलत बात है। समझने वाले ही सिर्फ समझ सकते हैं। इस वजह से आप ये मत कहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं अपने समझ के हिसाब से कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि आप सिर्फ यूनियन चला रहे हैं किसी एक जिले और प्रदेश को लेकर के। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ पूरे जो भारत देश के लिए हर जगह से बहने, तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है और सच्चाई दिखानी है, तो मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ ताकि हमारी बहनें जो हैं उन तक सच पहुँच सके। यहाँ पे जो बैठक हुई अच्छी हुई है, और कहना चाहूँगा ऐसे ही हर यूनियन को चाहिए कि वो प्रयास करें, सही दिशा में प्रयास करें और कुछ ना कुछ करते रहें, और न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी आवाज़ को भी उठाते रहें मीडिया के माध्यम से। बाकी जो सोशल मीडिया है, जैसे आप लोग यूट्यूब पर हमारे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को चाहिए हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये आवाज़ जितनी जो है तेजी के साथ में मैं लगाता हूँ यहाँ पे सच्चाई बिना डरे हुए दिखाता हूँ, चाहे कोई भी आपके DP हो चाहे CDP हो, अगर उनकी शिकायत आती है तो मैं जरूर दिखाता हूँ। अभी आप लोगों को एक और हमारे पास वीडियो लगा हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसमें हम वो हमारा दूसरा चैनल आने वाला है उस पर वो आएगी कि इसमें जो बैग वगैरह आंगनबाड़ी को सौंपे गए हैं उस बैग में कितना सामान दिया गया है,
और ये अभी 14 तारीख को बैग दिए गए हैं, जिसमें एक दो रजिस्टर हैं, मुश्किल से किसी में ज्यादा निकले किसी में कम, कुछ सामान भी नहीं है। और बड़ा सा बैग देकर के आंगनबाड़ी बहनों को और इसमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें अधिकारी लोग बहुत ज्यादा जो घपला किए हुए हैं, लूट के रखे हुए हैं, क्योंकि बजट के रूप में उस चीज के लिए पैसा ज्यादा आता है। तो इन सब चीजों की सच्चाई और खुलासे आपको मेरे दोनों चैनल पर मिलते रहेंगे। इस वजह से कहना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पर आप जुड़ जाएं, क्योंकि एक चैनल पर चार वीडियो नहीं आ सकते। सुबह शाम एक चैनल पर एक वीडियो, दूसरे चैनल पर भी एक दो वीडियो आते रहेंगे। तो दोनों चैनल पर आप वीडियो देखते रहें और दोनों चैनल पर सच्चाई से लेकर के आवाज लगाई जाएगी। तो यहां पे कहना चाहूंगा आप लोग, और हमारे उसी चैनल पर एक और लेटर आएगा नियमावली को लेकर के, आपको बता दूं। जैसे कि ये हमारी आंगनबाड़ी बहनें पूछती हैं हम किस अंतर्गत आते हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के ये 23